हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है। अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। देखिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मीन्स यदि जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में यदि हमारी बोट भी चल रही है तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है हमारा, और यदि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हमारी बोट चल रही है तो वो हमारा अप स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली यदि वो मोटर बोट अप स्ट्रीम चलती है 16 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम में चलती है 24 किलोमीटर, कितने टाइम में, 6 आवर में। नेक्स्ट, इन द सेम टाइम्स, उसी टाइम में इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम हमने वही लिया, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करती है 12 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में कवर करती है वो 36 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, बोट की स्पीड निकालनी है वाटर में और उसकी करंट स्पीड निकालनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हम सपोज कर लेते हैं इसको एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द करंट, हमने इसकी सपोज कर ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो हमारी स्पीड हो गई। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमको क्या करना होता है डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो उसकी स्पीड हमारी अलग निकलेगी और अप स्ट्रीम की अलग निकलेगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है हमारी बोट भी चल रही है और पानी का फ्लो भी हो रहा है, तो दोनों की स्पीड प्लस होगी। ठीक है, तो जब भी हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों की स्पीड को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और वाटर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप में हमारी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगा यहाँ पे x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई, अब ये तो स्पीड हो गई, अब डायरेक्टली हम इजीली हम निकाल सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे हमने देखा 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में हमारी डिस्टेंस हो रही है 24 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस y प्लस, और अप स्ट्रीम में कितना हो रहा है 16 किलोमीटर, स्पीड हमारी x माइनस y, टाइम कितना लगा 6 आवर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई एंड। अब नेक्स्ट कंडीशन में डाउन स्ट्रीम में चल रहा है वो 36 किलोमीटर, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम में x प्लस y है, और अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर, स्पीड हमारी कितनी है x माइनस y, टाइम हमारा दोनों में सेम लग रहा है। देखिए, अब ये इक्वेशन बन गई, अब हमने पढ़ रखा है यदि हमारे जो x और y हैं वो हमारे अगर डिवाइड के फॉर्म में आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उनको एक अलग वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या सपोज करेंगे, जैसे x प्लस वाई दोनों ही हैं तो 1/x + y कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, जैसे 1/x + y हमने p ले लिया यहाँ पे एंड 1/x - y हमने यहाँ पे q सपोज कर लिया। अब देखिए, इसके फॉर्म में लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 1/x है ना, देखो x प्लस वाई 1/x + y की जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, तो हो क्या जाएगा हमारा 24p। ठीक है, सो 24p प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16q = 6। देखिए, यहाँ से हम कॉमन निकाल के इजी कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 2 बन जाए, 2 2 2 4, ये हो जाएगा 2 8 16, q 2 3 4। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई एंड। अब नेक्स्ट वाले इंपोर्ट करेंगे हम इसमें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 36p प्लस में हमारा हो जाएगा 12q = 6। यहाँ से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन यहाँ से 6 निकल जाएगा, तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड।
अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो हम देखिए सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल यदि इसमें हम ये 12 है, ये 6 है, यहाँ थी, यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट में इसको माइनस कर देंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 12p प्लस 8q इक्वल टू 3, और हम सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12p प्लस 2 2 4q प्लस 2 1 2। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सेपरेट करें तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल पूरा, 8 में से 4 जाएगा हमारा, बचेगा 4q इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1, यानी q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/4। अब q की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमने 12p प्लस 8q प्लस 3 हमने सपोज की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम यदि पुट करते हैं q की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12p प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8q, q की वैल्यू आई है 1/4 इक्वल टू हमारे पास है 3, तो ये 4 से 2 बार में 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 12p प्लस यहाँ पे बचा 2 इक्वल टू 3, तो हमारा p इक्वल टू, देखो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 बचेगा, तो ये 12 मल्टीप्लाई वाला इधर आके किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। अब देखिए जो हमने सपोज किया था उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हमने सपोज किया था 1/x प्लस y इक्वल टू पी, तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और 1/x माइनस y इक्वल टू q, तो q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/x प्लस y, p की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/12, तो 1/12, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, और अपन x प्लस y इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 12, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये भी एक इक्वेशन के फॉर्म में बनी है, तो हम इसको एक अलग इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड, और उसके बाद हमारे पास 1/x माइनस y इक्वल टू, हमारे पास q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, किसी की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ऐड करेंगे तो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 12 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 8। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है, वो x की वैल्यू जो है उसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में यदि x की वैल्यू 8 यदि पुट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8, यहाँ पे y इक्वल टू 12, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इजीली लिख सकते हो, तो जो बोट की स्पीड हमारी स्टील वोटर में वो कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और जो हमारी करंट स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।